साल भर के लंबे इंतजार के बाद आज गणपति बप्पा फिर 10 दिनों के लिए घर घर में विराजे हैं और 10 दिन तक उत्साह व जोश के साथ गणेश उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का जो जोश इंदौर के इस व्यक्ति में दिखता है वो शायद ही और कहीं देखने को मिले। जब भी इको फ्रेंडली गणेश की बात होगी तो इंदौर के देवेंद्र अत्रे के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देवेंद्र इंदौर के कई स्कूलों में बीते 4 वर्षों में 25,000 से ज्यादा बच्चों को मिट्टी के गणेश बनाने का हुनर सिखा चुके हैं। प्रिंटिंग के कारोबार से जुड़े देवेंद्र अत्रे का कहना है कि वे बीते 4-5 सालों में हर स्कूल और कॉलेज में छात्रों को मिट्टी के गणेश ही बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मिट्टी की मूर्ति बनाना सिखा रहे हैं। देवेंद्र बताते हैं कि इस काम में कॉलेज व स्कूल के प्रबंधन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो गणेश महोत्सव के शुरू होने से ही पहले उनके पास स्कूल और कॉलेजों से ट्रेनिंग देने के लिए फोन आने लगे हैं। देवेंद्र बताते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी को लेकर पहले इतनी जागृति नहीं थी, लेकिन अब इसके प्रति लोग जागरूक हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब मिट्टी की गणेश मूर्ति में तुलसी के बीज डाल रहे हैं, जिससे लोगों को तुलसी के पौधे प्राप्त हो जाते हैं। देवेंद्र बताते हैं कि उनके पिता ने बचपन में ही मुझसे हाथ से गणेश जी की स्थापना करवाते थे। उन्होंने ही मुझे हाथ से मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाना सिखाया है। पिता का सिखाया हुआ हुनर वे आज स्कूल और कॉलेज में बच्चों को सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो सिर्फ घर में मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते थे, लेकिन बाद में मूर्तियां बनाकर बच्चों में वितरित भी करने लगे। देवेंद्र अब हर साल अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों में अपने हाथ से बनी 50 से ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां मुफ्त में बांटते हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी को पहले लेकर के इतनी जागृति नहीं थी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो लोग बाग सोचते थे कि मिट्टी के गणेश जी की हम अगर पूजा करेंगे तो गल जाएंगे। बाद में उसमें और विकास करते गए और हम उसमें सीड बॉल्स डालने लग गए गणेश जी की मूर्ति के अंदर मिट्टी में, तो वो जहाँ भी गणेश जी विसर्जन किए जाते थे तो वहाँ पौधे लगने की संभावना हो जाती थी। जैसे हम उसमें तुलसी के बीज वगैरह डाल देते हैं तो उससे तुलसी के ही पौधे हमें वापस प्राप्त होते हैं और वो मिट्टी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो अब इको फ्रेंडली गणेश जी की डिमांड बढ़ने लग गई और लोग बाग घर आते हैं मूर्ति बना करके हमको दे दो। एक महीने पहले से लोग आने लग गए तो हम बना के देते हैं हमको गणेश जी, और इसकी डिमांड लोगों में इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि अब सबको समझ में आ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गणेश जी हम रेडीमेड बाजार से खरीदते हैं वो बहुत हार्मफुल हैं और हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। पिछले 4 वर्षों में मैं अभी तक लगभग 25,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ गणेश जी बनाने के लिए और उन लोगों को स्थापना के लिए भी प्रेरित कर चुका हूँ। उनमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और वहाँ के टीचर्स और स्टाफ ने भी मुझे सहयोग किया और उन्हें बनवाए गणेश जी, और ये हर साल संख्या बढ़ती जा रही है और लोग तेजी से एक महीने पहले जागृत होकर के वो मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनको स्थापित करने की परंपरा शुरू हो गई है और ये बढ़ती जाएगी संख्या। अभी तक मैंने लगभग 25,000 कर दी है पिछले 4 साल में। हमारे फादर थे विट्ठल राव जी अत्रे, तो वो बोला करते थे कि अपने को अपने घर घर गणेश जी बिठाना है तो मिट्टी के बनाओ और पवित्र भाव से बनाओ और उन्हीं को स्थापित अपन करो, क्योंकि अपन आर्टिस्ट हैं तो खुद बने अपने हाथ के बने हुए गणेश जी बनना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन अपने हाथ से गणेश जी बनाए अपने घर के लिए, वहीं से शुरुआत करी और फिर मैं बना बना करके लोगों को वितरित भी करता गया। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बाजार से मिट्टी ला करके, कुम्हार की मिट्टी ला करके, और फिर उसको बना करके लोगों को निःशुल्क वितरण करना, और वो अभी तक जारी है। और हर साल में करीब, पहले मैंने 4 बांटे, फिर 10 और फिर 15 और अब ऐसे 30 से 40 से 50 गणेश, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है गणेश जी बनाता जाता हूँ एक महीने पहले, और 1 से 1.5 घंटा एक गणेश जी बनाने में लगता है और फिर उनको मैं निःशुल्क लोगों को दे देता हूँ जो चाहते हैं कि मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जाए।